इसे हम हिंदी भाषा में निचोड़ना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्क्वीज बोलते हैं। जैसे नींबू निचोड़ दो, स्क्वीज द लेमन। इसे हम हिंदी भाषा में फेंटना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में विस्प या विप बोलते हैं। जैसे मलाई को गाढ़ा होने तक फेंटो, विस्प और विप द क्रीम अंटिल थिक। इसे हम हिंदी भाषा में पाउडर छानना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सिफ्ट बोलते हैं। जैसे आटा छान दो, सिफ्ट द फ्लोयर। इसे हम हिंदी भाषा में लिक्विड छानना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे चाय छान दो, स्ट्रेन द टी। इसे हम हिंदी भाषा में छिड़कना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्प्रिंकल बोलते हैं। जैसे इस पर थोड़ा धनिया छिड़क दो, स्प्रिंकल सम कोरिएंडर लीव्स ऑन इट। इसे हम हिंदी भाषा में मथना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में चर्न बोलते हैं। जैसे दही को मथ दो, चर्न द कर्ड। इसे हम हिंदी भाषा में जमाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सेट बोलते हैं। जैसे दही को मथ दो, सेट द कर्ड। इसे हम हिंदी भाषा में भुनना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रोस्ट बोलते हैं। जैसे थोड़ी मूंगफली को भून लो, रोस्ट सम पिनट। इसे हम हिंदी भाषा में छोंकना या छोंका लगाना या तड़का लगाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में सीजन बोलते हैं। जैसे दाल थोक दो, सीजन द पल्स। इसे हम हिंदी भाषा में सजाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में गार्निश बोलते हैं। जैसे केक को सजा दो, गार्निश द केक। इसे हम हिंदी भाषा में घोलना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में डिजोल्व बोलते हैं। जैसे चीनी को घोल दो, डिजोल्व द शुगर। इसे हम हिंदी भाषा में तलना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फ्राई बोलते हैं। जैसे पहले लहसुन को तल लो, फर्स्ट फ्राई द गार्लिक। इसे हम हिंदी भाषा में मसलना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मैश बोलते हैं। जैसे आलू मसल दो, मैश द पटैटो। इसे हम हिंदी भाषा में कद्दूकस करना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ग्रेट बोलते हैं। जैसे गाजर को कद्दूकस कस दो, ग्रेट द कैरेट। इसे हम हिंदी भाषा में पीसना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में ग्राइंड बोलते हैं। जैसे मसालों को पीस दो, ग्राइंड द स्पाइसेस। इसे हम हिंदी भाषा में आटे को गूंथना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में नीट बोलते हैं। जैसे आटा गूंथ दो, नीट द डो। इसे हम हिंदी भाषा में लोई बनाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में मेक द डो बॉल्स बोलते हैं। जैसे लोइया बना दो, मेक द डो बॉल्स। इसे हम हिंदी भाषा में बेलना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में रोल आउट बोलते हैं। जैसे मैं रोटी बेल रही हूँ, आई एम रोलिंग आउट द चपाती। इसे हम हिंदी भाषा में सेकना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में बेक द चपाती बोलते हैं। जैसे मुझे रोटी सेकना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू बेक द चपाती। इसे हम हिंदी भाषा में पलटना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में फ्लिप बोलते हैं। जैसे रोटी पलट दो, फ्लिप द चपाती। इसे हम हिंदी भाषा में फुलाना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में पफ अप बोलते हैं। जैसे मैं रोटी को फुला रही हूँ, आई एम पफिंग अप द चपाती। इसे हम हिंदी भाषा में चुपड़ना बोलते हैं और इसे इंग्लिश में स्प्रेड बोलते हैं। जैसे थोड़ी ब्रेड पर मक्खन चुपड़ दो, स्प्रेड सम बटर ऑन द ब्रेड।